बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहना है आपको। जो बाहर वाले लोग हैं, जो मुंबई, दिल्ली, गुजरात और कई जगहों से आ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए। जब भी आपके गांव में आए तो एक आइसोलेट रहे, एकांत में रहे 7 दिनों तक। अगर कोई लक्षण आता है तब आप उनको हमारे हमसे बताना घट सकता है। तो जो आज अद्यतन सूची हो मतदाता वाली, वो आप देख सकते हैं, वो ब्लॉकों पर उपलब्ध हो गई है, उसी मतदाता सूची से चुनाव होना है। तो अगर मान लीजिए कहीं गलती से किसी का नाम रह गया हो या किसी का नाम गलती से कट गया हो, तो वो जिसने गलती करी है उसको हम लोग सजा देंगे, उसका बिचारी के खिलाफ। आज का हमारा ब्लॉक में आकर के आप सबसे मिलने का मुख्य उद्देश्य आने वाला पंचायत चुनाव है। आप सब जानते हैं कि 24 तारीख से आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके जो नियम कानून है वह आप सब लोग जानते हैं। उन्हीं नियम कानून के अंतर्गत आपको अपना प्रचार प्रसार करना है और आप लोगों से यही अनुरोध है, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने कहा आपको, यदि कोई सोचे कि मैं किसी को बुला करके गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके दावत दे दूं या कुछ और प्रलोभन दे करके उनके मत को हासिल करने की कोशिश करूं, तो हो सकता है कि आप 10-15 मत को प्रलोभन दे या शपथ लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा देखिए। आज की बैठक बुलाई गई है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे और वो चुनाव से जुड़ा हुआ है। आप में से प्रत्याशी कितने लोग हैं? सब प्रत्याशी हैं, बहुत बढ़िया। और प्रधान पद के प्रत्याशी कितने हैं? मैक्सिमम अच्छा, सब प्रधान पद वाले हैं। ये कितना बड़ी संख्या में यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। चुनाव, पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण जन से संपन्न हो और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो, कोरोना के संक्रमण से हम लोग बचे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीछे जो लोग खड़े हैं थोड़ा और दूरी बना लीजिए, बाकी यहाँ कुर्सियों पर तो लोग दूर दूर बैठे हैं, मास्क भी लगाए हैं, जो पीछे की तरफ है वो लोग दूर बैठ जाए थोड़ा सा।